नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों चुनावी पाठशाला, जी हाँ दोस्तों, चुनावी पाठशाला अब आपको लेनी पड़ेगी। तो याद रखिए, अब जो आदेश मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 5 जनवरी 2023 को, जैसा कि आप सभी को पता है, अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है 5/1/2023, 5 जनवरी 2023 को। तो उस दिन दोस्तों इस बार नया कॉन्सेप्ट आया है चुनावी पाठशाला का, ठीक है दोस्तों। चुनावी पाठशाला इस बार हमें लेनी है, तो किस तरह से लेनी है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है, और उसी दिन हमें चुनावी पाठशाला लेना है। तो चुनावी पाठशाला का मेन कॉन्सेप्ट यह रहेगा दोस्तों कि हमने इस अभियान में अभी तक जितने भी फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 8 जितने भी फॉर्म फिलअप किए हैं, उन सभी की जानकारी का हमें वाचन करना है, प्रत्येक सदस्य के बारे में बताना है, प्रत्येक मतदाता के बारे में वहां पर बोलकर बताना है सभी ग्रामीण वासियों को। तो दोस्तों यही चुनावी पाठशाला का मेन कॉन्सेप्ट है कि हमने जितने नाम जोड़े हैं, जितने नाम हटाए हैं और जितने नामों में संशोधन किया है, सभी का हमें वाचन करना है, सभी के बारे में बताना है सर्व संबंधितों को, सभी ग्रामवासियों को। तो यही रहेगा चुनावी पाठशाला का मेन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आइए देखते हैं पूरी चुनावी पाठशाला में क्या क्या हमें करना है। तो ठीक है दोस्तों, हम अब जो है सीधे मेन आदेश पर ही चलते हैं, जिसके बारे में मैंने बात करी आपको, जो अभी हमें आगे कार्रवाई करना है उस आदेश पर ही सीधे चलते हैं। तो दोस्तों कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, प्रेस नोट है ये पहला। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार दिनांक 5/1/2023 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार सभी बीएलओ को पाबंद किया गया है कि वह दिनांक 5/1/2023 5 जनवरी 2023 को अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर चुनाव पाठशाला का आयोजन कर अपने मतदान केंद्र की सूची का वाचन करें। वाचन के दौरान बीएलओ द्वारा नए नाम जोड़े गए व्यक्तियों की जानकारी, निरसित व्यक्तियों की जानकारी जिनके नाम संशोधित किए गए हैं की जानकारी से सर्व संबंधित को अवगत कराया जाएगा। तो नाम जोड़े जाने का कौन सा फॉर्म रहा था, फॉर्म 6 जिनके बारे में, उनके बारे में निरसन, फॉर्म 7 डिलीशन का जो रहता है वो, संशोधन का फॉर्म 8 जो संशोधन का फॉर्म रहता है वो, तो उनकी सभी जानकारी से सर्वसम्मति को अवगत कराया जाएगा। सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उक्त संबंध में प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है, ठीक है। राजेश कुमार कौल जी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है, प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है, ठीक है। तो यह कार्यक्रम दोस्तों, इसी का मैं एक और आदेश दिखा देता हूँ आपको। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, क्रमांक आप देख सकते हैं 7128 भोपाल, दिनांक 30/12/2022 आज ही के दिन निकला है। प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश, विषय है फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के संबंध में। संदर्भ भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक भी दिया हुआ है 25/7/2022, 26/7/2022 और 29/7/2022। तो चूंकि दोस्तों ये भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक भी आया हुआ है, इसलिए यह कार्य प्रत्येक स्टेट में होना है, ठीक है। मैं आपको मध्य प्रदेश का दिखा रहा हूँ, लेकिन यह कार्य प्रत्येक स्टेट में होना है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार दिनांक 5/1/2023 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाना है, ठीक है। इस संबंध में सभी बीएलओ को निर्देशित करें कि वह दिनांक 5/1/2023 को अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर चुनाव पाठशाला का आयोजन कर अपने मतदान केंद्र की सूची का वाचन करें। वाचन के दौरान नए नाम जोड़े गए व्यक्तियों की जानकारी, निरसित व्यक्तियों की जानकारी जिनके नाम संशोधित किए गए हैं की जानकारी से सर्व संबंधित को अवगत कराएं। सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से इसकी पूर्व सूचना सभी विधानसभा क्षेत्रों, तहसीलों, गांवों, वार्ड, मोहल्लों में की जाना कृपया सुनिश्चित करें। केवी राजेश कुमार कौल जी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज दिखाई, तो मेन कार्यक्रम जो है वो है चुनाव पाठशाला, ठीक है, चुनाव पाठशाला है।
तो दोस्तों मेन यही है कि चुनाव पाठशाला का आयोजन करना है 5 जनवरी 2023 को अपने अपने मतदान केंद्र पर सभी BLO साथीगण को, बूथ लेवल ऑफिसर्स को, और उसमें फॉर्म नंबर 6, 7, 8 तीनों में जितने फॉर्म भरा है उनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी भी सर्वसम्मति को अवगत कराना है, ठीक, और उनका वाचन करना है। तो इसी प्रकार दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।